नमस्कार दोस्तों, एजय ट्रेडर्स की और एक वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या हो सकता है। इससे पहले मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहूंगा। फ्रेंड्स, आज से LIC IPO का ओपनिंग हुआ है, तो आप LIC IPO में आप अप्लाई कर सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि LIC कंपनी अच्छी है, और अगर वो अच्छा ओपन भी हो सकता है, गैप अप भी ओपन हो सकता है और गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, लेकिन लंबे टाइम के लिए ये प्रॉफिट देखे जाएगा सबको। ओके, उसका प्राइस रेंज है 901 से लेकर 940, और उसका लॉट साइज है 15 लॉट, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको 13,530 रुपीज़ मिनिमम उसका इन्वेस्टमेंट है। आप चाहो तो 2 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसमें, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि आप 2 लाख का इन्वेस्ट करो। आपकी ताकत के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अगर ये तो किस्मत की बात है कि किसी को अभी लगता है या किसको नहीं लगता है, वो किस्मत की बात है। ओके चलो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट मंडे की वीडियो में आपको क्लियर कट बोला था कि मार्केट में बड़ी गिरावट आने वाली है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैंने ये पूरा वीडियो आपको बोला था सोमवार को क्या होगा, बड़ी गिरावट आने वाली है। यानी सोमवार को बड़ी गिरावट नहीं आई, लेकिन आज मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ गई। गिरावट क्यों आई, क्योंकि शक्तिदास ने आज कुछ अनाउंस किया, उसकी वजह से रेपो रेट ने बढ़ाया उसने, इसकी वजह से मार्केट में फॉल आ गया। तो देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे तो रेक्टेंगल पैटर्न जो बना हुआ था लास्ट कई दिनों से, उसका आज उसने ब्रेक डाउन किया है डाउन की साइड में, तो आज उसका गिरावट हुआ है फ्रेंड्स। मिनिमम यहाँ पे देखोगे तो 900 पॉइंट गिरावट हुआ है आज, और निफ्टी 400 अंक के करीब गिरावट हुआ है। और आप यहाँ पे चेक करोगे तो SBI निफ्टी 36 डाउन में चल रहा है अभी, और डाउन जोंस 35 प्लस में चल रहा है, यानी दोनों अभी फ्लैट ही चल रहा है। तो आइए देखते हैं कि अब बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है आगे। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 34,264 पे क्लोजिंग हुआ है। आप यहाँ पे चेक करोगे तो डाउन से ये एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, उसको आज उसने ब्रेक किया, और ऊपर से ये एक ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे आ रही है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे लिए, अब आने वाले दिनों के लिए ये पूरा हमारे लिए रजिस्टर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये एक हो गया, ये दो हो गया, आज का भी रजिस्टर हो जाएगा, ये रजिस्टर हो जाएगा, ये सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट को आज उसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। फ्रेंड्स, तो देखते हैं कल क्या होगा। इसके लिए हम 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। इससे पहले एक काम करता हूँ कि वन डे के कैंडल में हमें क्या नज़र आ रहा है। यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ से देखा जाए यहाँ तक 1500 पॉइंट में ही ये कितने दिनों से घूम रही थी, तो हमें मिनिमम डाउन की साइड में अब आ सकता है 34,000 तक आ सकता है बैंक निफ्टी डाउन की साइड में। लेकिन वो कब आएगा वो हम देखते हैं, हो सकता है कल भी आए या फिर परसों भी आए या नेक्स्ट वीक को भी आ जाए, लेकिन इसके लिए आप 34,000 के रेंज आज ओपन हो गई। अगर 34,000 के नीचे भी जाता है तो उसको यहाँ तक भी आ सकता है ये, और उसका रेंज रहेगा 32,400 के करीब, क्योंकि यहाँ से उसने बाउंस ब्रेक मारा था फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में। तो आइए देखते हैं कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है इंट्राडे में। मैं एक काम करता हूँ, इसको निकाल लेता हूँ, और हम जो हर बार फ्लैट जोन ड्रॉ करते हैं, यानी हमारा नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करते हैं, वो मैं आज ड्रॉ करता हूँ। हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा फ्रेंड्स 35,264 पे क्लोज हुआ है, 35,264। तो हमें 35,415 पे ऊपर जाएगा तो अपसाइड में पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स हमारा 35,600, और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स अपसाइड में 35,760। यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन फॉल करना पड़ेगा, ये रजिस्ट्रेशन हो गया, ये भी रजिस्ट्रेशन हो गया। आइए देखते हैं अब डाउन की साइड में क्या हो सकता है फ्रेंड्स। अगर डाउन की साइड में फ्रेंड्स 35,150 ब्रेक करता है, 140 ब्रेक करता है डाउन की साइड में टुमारो के लिए, तो डाउन की साइड में पहला टारगेट आ सकता है बैंक निफ्टी में 35,020, दूसरा टारगेट आ सकता है बहुत बड़ा टारगेट दिख रहा है मुझे तो 34,850। और अगर इसको भी ब्रेक कर लेगा तो डाउन की साइड में यहाँ तक जा सकता है 34,690। फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का टारगेट टुमारो के लिए। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये मेरी एसी ट्रेडर्स की न्यू चैनल बनाई है, जिसका भी 31 सब्सक्राइबर है। मैं आशा करता हूँ कि आप
जो नए लोग आए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा देखो फ्रेंड्स। आधा अधूरा देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अभी सीख ही रहा हूँ और जो जो सीख रहा हूँ वो आपको भाई वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। ओके चलो देखते हैं निफ्टी में क्या क्या है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप निफ्टी में भी चेक करोगे तो ये उसका ऊपर वाले रेंज बना थे 70,420 और डाउन की साइड का लेवल था उसका 16,830। इसी रेंज को आज उसने ब्रेक किया है। यहाँ पे आज चेक करोगे फ्रेंड्स ये उसने आज ब्रेक कर दिया है ये लेवल, तो उसके लिए अभी रेंज कौन सी आएगी फ्रेंड्स डाउन की साइड में वो देखते हैं। उसने डाउन की साइड में 16,000 का रेंज ओपन कर दिया फ्रेंड्स, 16,300 से लेके 16,000 तक, 16,000 राउंड फिगर पकड़ते हैं हम अभी फ्रेंड्स। तो ये लेवल तक भी निफ्टी आ सकता है आने वाले दिनों के लिए। आप यहाँ पे चेक करोगे कि यहाँ से ट्रेंड लाइन जा रही थी उसको ब्रेक किया और ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो अब आने वाले दिनों के लिए वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो अभी निफ्टी को बहुत ही परेशानी होगी आगे बढ़ने के लिए। तो आइए देखते हैं कल निफ्टी में इंट्राडे में क्या हो सकता है। कल हमारी एक्सपायरी भी है तो हो सकता है बाउंस बैक भी थोड़ा टाइम आ सकता है शॉर्ट कवरिंग के लिए। इसको मैं निकाल लेता हूं फ्रेंड्स और हर बार की तरह हम नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल लेके। फ्रेंड्स निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 16,630 पर उसका क्लोजिंग हुआ है। अगर निफ्टी कल अपसाइड में फ्रेंड्स 16,721 निकालेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है अपसाइड में फ्रेंड्स 17,800 और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका फ्रेंड्स 17,880। और डाउन के साइड में फ्रेंड्स अगर निफ्टी ने 16,626 निकाला आज के लो को तो उसका पहला टारगेट आ सकता है डाउन के साइड में फ्रेंड्स निफ्टी का। यहाँ पे सपोर्ट लिया है 16,560, फेस टारगेट देता हूँ मैं कल के लिए। और दूसरा टारगेट ये जो गैप पड़ा है यहाँ पे आ सकता है 16,400 के लिए। ओके फ्रेंड्स ये दो टारगेट मैंने दिए निफ्टी का डाउन के साइड में और अप साइड में। 16,626 निकालेगा निफ्टी कल डाउन के साइड में तो पहला टारगेट आ सकता है 16,560 और दूसरा टारगेट आ सकता है 16,423। और अप साइड में अगर निफ्टी 16,721 निकालेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा 16,800 और दूसरा टारगेट आ सकता है 16,888। फ्रेंड्स ये हो गया निफ्टी के बारे में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद।